हेलो डियर लिसनर्स, डियर लिसनर्स, वी आर डूइंग यूनिट 13 प्रपोजिशन एंड टुडे आई विल टेक द नेक्स्ट वर्कशीट विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 114 एंड वर्कशीट 5। राजू हैज गॉन टू ग्रीस फॉर अ हॉलीडे। तो एक बच्चा राजू जो ग्रीस गया है हॉलीडे में, ही हैज़ रिटन अ लेटर टू हिज बेस्ट फ्रेंड रिंकू। और उसने जो है लेटर अपने जो बेस्ट फ्रेंड है उसको लिखा है। बट ही हैज़ मेड सम मिस्टेक ऑफ प्रेपोजिशन। बट उसने जो लेटर लिखा है उसमें उसने कुछ मिस्टेक कर ली है प्रेपोजिशन की। अंडरलाइन द इनकरेक्ट वर्ड्स एंड इंसर्ट द करेक्ट वंस। तो जो गलत है उसको अंडरलाइन करना है और उसकी जगह पर जो है करेक्ट जो है हमें प्रेपोजिशन लिखनी है। तो विच आई हैव ऑलरेडी डन फॉर यू, तो आप यहाँ से लिख लेंगे। होटल स्टैनफोर्ड Pickwick Street, Greece, 3 April 2021. Dear Rinku, so we arrived on Greece 3 days ago. तो यहाँ पर जो है क्या गलत है on, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा in, हम लिख देंगे in, we arrived in Greece 3 days ago. It is fantastic. We were staying on a beautiful villa. तो we will क्या करेंगे यहाँ पर, on जो है गलत है, इसको हम अंडरलाइन करेंगे, लिखेंगे in. तो we were staying in a beautiful villa. The view of the sea for here is fantastic. तो for is wrong. इसको अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे फ्रॉम। द व्यू ऑफ द सी फ्रॉम हियर इज फैंटास्टिक। नेक्स्ट इज, इट इज अ स्मॉल प्लेस विथ एथेंस। सो इट इज अ स्मॉल प्लेस नियर एथेंस। इट्स अ प्लेस नियर एथेंस। इसको विथ को अंडरलाइन करेंगे और ऊपर टिक करके लिख देंगे नियर। While coming here, we stayed over a very nice hotel below Athens in 2 days. So, यहाँ पर जो है over वो गलत है, यहाँ लिखेंगे in. While coming here, we stayed in a very nice hotel and then below को अंडरलाइन करेंगे, in करेंगे यहाँ पर, ठीक है, in Athens. Then, in यहाँ पे in wrong है, लिखेंगे for 2 days. Then, the weather is great. It is hot and sunny every day. We were in the beach all day yesterday. यहाँ पर in जो है wrong है, on आएगा। We were on the beach all day yesterday. It was lovely. See you soon, love. राजू। सो होप यू हैव डन इट। नाउ आई विल टेक द नेक्स्ट वर्कशीट, वर्कशीट 6। स्टूडेंट ऑफ क्लास 4 आर पजल्ड। देयर टीचर हैज़ गिवन देम अ सीरीज ऑफ सिग्नल्स, हेल्प देम टू लेबल द सिंबल्स विद करेक्ट प्रपोजिशन ऑफ मोमेंट। तो एक पजल दी गई है कि टीचर ने और थोड़े से कंफ्यूज हैं, हमें यहाँ पर उनके हेल्प करनी है, करेक्ट प्रपोजिशन वर्ड्स जो हैं उनको बताने हैं कि कहाँ पर क्या आएगा। तो उससे पहले मैं लूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कुछ यहाँ पर है। वी यूज़ सम प्रपोजिशंस टू टॉक अबाउट प्लेस। हम कुछ प्रपोजिशन कब यूज़ करते हैं, जब किसी प्लेस की बात करते हैं। तो मैंने बताया था कि प्रपोजिशन कब होता है, जब हम प्लेस की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं, पोजीशन की। एंड सम प्रपोजिशन टू टॉक अबाउट मोमेंट। और कुछ प्रपोजिशन की कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी मोमेंट की बात करते हैं। और मोमेंट फ्रॉम अ प्लेस, और जो प्लेस की मोमेंट है वहाँ से, जहाँ से, ठीक है, वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिया है, ही इज़ एट द स्कूल।
कि तुम्हें प्लेस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम क्या क्या प्रपोजिशन लगा रहे हैं, ऐट लगा रहे हैं। और जब मोमेंट की बात हो रही है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, तो जा रहा है, तो यहाँ पर भी हम क्या लगा रहे हैं, प्रपोजिशन यूज़ कर रहे हैं। नाउ वर्ब डैट वी यूज टू शो मोमेंट आर, जो वर्ब्स हैं जो मोमेंट को शो करती हैं वो कौन कौन सी है, वॉक, रन, स्विम, फ्लाई, जम्प, कम, गो एक्सेट्रा। ठीक है, ऑल दीज आर वर्ब्स जो मोमेंट को शो करती है कि यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर सिर्फ इतना बताना है कि जो प्रपोजिशन है वो एक जो प्लेस है वहाँ पर भी यूज़ होती है, और जब मोमेंट होती है हमारे आने जाने की वहाँ पर भी प्रपोजिशन का यूज़ होता है। नाउ जो इन्होंने वर्कशीट 6 में दिया है वो करने वाले हैं। यहाँ पर है, नाउ लेबल द सिम्बल्स यूजिंग द 8 बॉक्स। तो यहाँ पर हमें सिम्बल्स जो यूज़ करने हैं, बट यहाँ पर हमारी हेल्प के लिए 8 बॉक्स दिया है, बट आई हैव डन फॉर यू, आप यहाँ से लिख लेंगे। तो ये क्या होता है, किसके लिए होता है, टू देन ऑफ, राउंड, नेक्स्ट इज इनटू, आउट, ऑन टू, नेक्स्ट इज फ्रॉम, देन डाउन, एंड नेक्स्ट वन इज अप। जितने भी सिग्नल्स हैं हमने हेल्प करी है, मतलब जो लेबल करना था सिंबल्स को विद द करेक्ट प्रपोजिशन के साथ जो मूवमेंट्स है वो हमने कर लिया। नेक्स्ट इज डू इट योरसेल्फ, विच आई हैव डन फॉर यू। ओके, यहाँ से लिखते जाएंगे, मैं बताती जा रही हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस। तो इसमें क्या क्या आएगा, माई ग्रैंड फादर इज ऑलवेज कंप्लेनिंग ऑफ द पेन इन हिज लेग, तो हम ऑफ लिखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है, श्रेया विल बी कमिंग टू चंडीगढ़ आफ्टर हिज विजिट टू शिमला, नंबर टू आएगा। नेक्स्ट इज दे आर गोइंग फॉर वॉक अर्ली टूडे, सो फॉर आई एम वेटिंग फॉर द पोस्टमैन, क्या आएगा, फॉर आएगा। द क्राउ इज पीपिंग इन टू द जार, into I was angry with my brother for spoiling my project, यहाँ पर क्या आएगा, with आएगा। Next is the progress of the country depend on its citizen, यहाँ पर आएगा on। Next is my hands are too big to go into the gloves, यहाँ पर into आएगा। नेक्स्ट है, अ स्मॉल चाइल्ड डिपेंड अपॉन हिज मदर फॉर फूड, सो अपॉन आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, ही इज़ वरीड अबाउट हिज रिजल्ट, अबाउट। नेक्स्ट, यू वर एब्सेंट फ्रॉम द क्लब यस्टरडे, फ्रॉम। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूट दिस सैम्पल पेपर अमंग द स्टूडेंट्स, सो अमंग। देयर वॉज अ टफ कॉम्पिटिशन बिटवीन अमित एंड जया, नेक्स्ट द बॉय हिट बिहाइंड द बैट। नेक्स्ट वन इज द थीफ इज नाउ बिहाइंड द बार, यहाँ पर बिहाइंड आएगा। आई विल डिस्कस द नेक्स्ट एक्सरसाइज, सो इट्स अ बुक रिव्यू। ठीक है, तो क्या, डू यू नो व्हाट अ बुक रिव्यू इज, बुक रिव्यू क्या होता है, तो
इसमें दिया गया बुक रिव्यू इज एन आर्टिकल इन विच वन गिव्स वन ओपिनियन अबाउट अ न्यू बुक। कोई भी इंसान जो है किसी की जो उसने बुक लिखी है उसके बारे में अपने ओपिनियन देता है, अपनी राय देता है, उसको बोलते हैं बुक रिव्यूज। तो ये दिस यू विल डू इट बाय योरसेल्फ। इसमें मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या दिया है। गिवन बिलो इज द रिव्यू ऑफ जे के रोलिंग फेमस बुक हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन्स। तो यहाँ पर जो जे के रोलिंग है उनकी जो फेमस बुक है हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन्स, उसका रिव्यू दिया गया है। चूज अ करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द वन प्रोवाइडेड इन द बॉक्सेस टू रीड द मीनिंगफुली। तो इसमें से जो भी है जो भी रिव्यू दिया गया है उसमें से जो प्रेपोजिशन दी गई है जो बॉक्स दिया गया उसमें तीन प्रेपोजिशन उसमें से करेक्ट जो है आपको उसको टिक करना है, सर्कल करना है। दिस यू विल डू इट बाय योरसेल्फ वेरी इजी। ओके सो दिस स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।